राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पार्टियों द्वारा हर सीट पर गहन चिंतन कर अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार की जा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। वहीं सबके बीच एक ऐसी सीट की बात की जा रही है जहां 9 बार सिर्फ 2 लोग ही विधायक बने हैं। इनमें से 1-2 राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फर्क इतना है कि पहले लगातार 6 बार से कांग्रेस विधायक थे और पिछले 3 बार से बीजेपी जीत हासिल करती आ रही है। ये सीट है उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ विधानसभा सीट। पहले यहाँ कई सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा था, लेकिन अब पिछले 3 विधानसभा चुनावों से ये भाजपा का गढ़ बन गया है। यहाँ से वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर 3री बार के विधायक हैं। वो क्षेत्र के कदवान नेता हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि राजनीतिक दृष्टि से कुंभलगढ़ विधानसभा सीट हमेशा से एक हॉट सीट रही है। पिछले 1.5 दशक से ये भाजपा की स्थायी सीट के रूप में उभर कर सामने आई है। कमोवेश संयोगी कहा जाएगा कि जिस पार्टी की जीत हुई है उसी की पार्टी की सरकार बनी है। हालांकि पिछले चुनाव में ये मिथक टूट गया था। साल 1967 से 1998 तक 6 बार विधायक चुने गए हीरालाल देवपुरा 1985 में मुख्यमंत्री, 5 बार मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। देवपुरा को हराकर भाजपा के सुरेंद्र सिंह राठौर ने पार्टी में अपना कद बढ़ा दिया। राठौर 3 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में उनके बराबर के कद का कोई स्थानीय नेता नहीं बन पाया है। वहीं कांग्रेस में भी यही स्थिति है। इतने सालों में कोई मजबूत नेता पार्टी की ओर से मतदाताओं की पैरवी करने के लिए अपना चेहरा नहीं बना पाया है। पिछला रिकॉर्ड देखते हुए इस बार भी राठौर को टिकट मिलना तय है, लेकिन कांग्रेस में अभी तक चेहरा तय नहीं हो पाया है। पिछले बार भी अंतरिम भितरघात का एक बड़ा मुद्दा रहा था और टिकट वितरण के बाद भी इस बार भी कमोवेश यही स्थिति बन सकती है। यानी कि हो सकता है कि इस बार भी भाजपा की झोली में ये सीट चली जाए। लोकवार्ता न्यूज़ जयपुर।